सब्सक्राइब कीजिए प्रेरणा न्यूज के YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको क्रिकेट की खबरें मिले सबसे पहले। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के लिए करीब 100 रन की पार्टनरशिप जेम्स रेब और जेम्स सेल्स के बीच 8वें विकेट के लिए हो चुकी थी और भारत को विकेट की तलाश थी। कप्तान यश धुल ने रवि कुमार को गेंदबाजी के लिए लगाया और उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसकी तलाश में टीम इंडिया थी। दरअसल जेम्स रेब शतक की ओर बढ़ रहे थे, वे 96 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और बाउंड्री के माध्यम से शतक पूरा करना चाहते थे, लेकिन तेज गेंदबाज रवि कुमार ने उनके शरीर की लाइन में गेंदबाजी की जिसे जेम्स रेब ने मिड विकेट पर खेला, लेकिन वहां कौशल तांबे खड़े थे। कौशल तांबे के लिए ये कैच आसान था क्योंकि उनकी छाती की तरफ आया था, हालांकि ये कैच उनसे छिटक गया, लेकिन तांबे ने इसके बाद जो किया उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। कैच छूटने के बाद भी कौशल तांबे का ध्यान गेंद पर ही था और गेंद जैसे ही उनके हाथ से निकली तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे गिर गए और इसी बीच उन्होंने देखा कि गेंद उनके दाएं हाथ की तरफ है, तो उन्होंने ऐसे में अपने एक ही हाथ से उस कैच को पकड़ लिया। इस तरह भारत को 8वीं सफलता मिली और जल्द ही टीम ने इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को आउट कर दिया। विश्व कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड की टीम 189 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत के सामने 190 रन का लक्ष्य है। सब्सक्राइब कीजिए प्रेरणा न्यूज के YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको क्रिकेट की खबरें मिले सबसे पहले।